जजिए जा जी जजिए जा आरसीएम के संग जी जजिए जा जी जजिए। के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये सिस्टम है कॉन्फिडेंस का। जब हमारे प्रोडक्ट इतने ताकत भरे, किसी को भी दो प्रोडक्ट देते हुए कभी भी संकोच में बात नहीं करनी, कभी भी बिल्कुल स्मूथ बात नहीं करनी, कॉन्फिडेंस के अंदर बात करो। आप उसको कहो जब आप न्यूट्रिशन देते हो कि सर ये न्यूट्रिशन है, गारंटेड रिजल्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होता, मैं इतने साल से खा रहा हूं, आपको पसंद नहीं आए आप उतना मेरे को वापस कर देना, उतना पैसा जितना आपने खा लिया टेबलेट उतना पैसा मैं आपका काट के वापस कर दूंगा। क्योंकि मान लो किसी ने कर भी दिया तो हमें भी तो खाना ही है, वो बाकी उसका वाला खा लेंगे, नहीं लेंगे इधर से। लेकिन कभी भी आप किसी को बात करो, हमारे प्रोडक्ट में वो ताकत है, हमारा आधा कॉन्फिडेंस काम करता है। टेक्निकल बनना है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप चाहिए। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कॉन्फिडेंस लेवल काम क्या करता है, कॉन्फिडेंस क्या ताकत। देखो आप थोड़ा सा इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकली। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, एक कुत्ता और बंदर में बहुत 36 का आंकड़ा था, उनकी बनती नहीं थी, बड़ा परेशान करता था कुत्ता बंदर को, बंदर जैसी जमीन पर उतरना चाहता था तो उसको खाना चाहता था। राजा उस जंगल का शेर था, तो एक दिन क्या हुआ कि भूखा था कुत्ता, कुछ खाने को नहीं मिला, तो कहीं कुछ हड्डी वड्डी पड़ी थी, वो हड्डी चूसने लगा, चूसता रहा, अचानक सामने से शेर आ रहा था, वो भी भूखा था, तो कुत्ते को लग गया कि भाई आज काम तमाम होना है। लेकिन उसने सोचा यार मरना तो है, और हमारी यहां कहावत है मरता क्या नहीं करता। बोले उसके दिमाग में एक आइडिया आया, यार आज कॉन्फिडेंस काम में लेते हैं, मरना तो वैसे भी है, बचने तो है ही नहीं, क्योंकि इसके सामने बचना तो संभव नहीं। उसने अपना मुंह पलटा लिया और मुंह पलटा के हड्डी चूसता रहा और तेज तेज बोलने लगा, हो शेर को खा के कितना मजा आ रहा है यार, शेर को खाने का मजा ही अलग है यार, रोज मिले ना सुबह शाम भी एक शेर मिले तो पूरा खा जाऊं। जैसी ये बात शेर ने सुनी, शेर घबरा गया, बोले यार गजब प्राणी है, मेरे को मार के खा रहा है यार, ये कहां से नया प्राणी आ गया। तो शेर जो है जिस तरफ से आ रहा था उसी तरफ भाग गया। अब ये बात वो बंदर पेड़ से सुन रहा था, उसने कहा यार पागल बना दिया इसने तो जंगल के राजा को। उसने सोचा एक काम करते हैं, अपन मिलते हैं शेर से, तो दो काम होंगे, एक तो जंगल का राजा है दोस्ती हो जाएगी, जैसे मान लो मोदी जी से हो जाए तो काम बड़ा हो जाए, बोले एक तो दोस्ती हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा, ये रोज परेशान करता है। तो वो गया चुप चुपाते जंगल जंगल और पेड़ के ऊपर से बोलता है, राजा साहब एक आपके काम की बात है और बताने की कान में है, क्योंकि अगर सबके सामने कहूंगा तो इंसल्ट हो जाएगी आपकी, लेकिन शर्त यह है आप खा लोगे, इसलिए मैं नीचे आना नहीं चाहता। तो शेर ने उससे वादा किया नहीं खाऊंगा अगर मेरे फायदे की बात हुई तो। बोले आजा, उसने कान में जाके कहा देखो इसलिए मैंने सबके सामने नहीं कहा कि इंसल्ट हो जाती कि यार वो कुत्ता एक छोटा सा प्राणी जिससे डर के आप भाग गया है। तो उसने कहा वो अलग प्राणी नहीं था, वो तो आपके जंगल का एक छोटा सा प्राणी कुत्ता है और वो आपको मार के नहीं खा रहा था, वो तो कोई हड्डी चूस रहा था किसी की बची हुई और आप उससे डर आए। तो अब राजा इस तरह की बात, उसका तो गुस्सा सातवें आसमान पहुंच गया। उसने बंदर से कहा आज से पक्का दोस्त है तू मेरा, और आज उसका खाली तू एड्रेस दे, आज उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। वो बंदर खुश हो गया। बंदर बोला देखो मैं साथ तो नहीं आऊंगा पर मैं पेड़ों पेड़ों पे आ रहा हूं और मैं रास्ता दिखाऊंगा। आ गया, कुत्ते ने दूर से देख लिया उस बंदर को भी और शेर को भी, कुत्ता समझ गया मामला इसने बिगाड़ दिया, और उस कुत्ते को फाइनल पता लग गया कि अब बचने का प्रश्न ही नहीं बचता, कहानी तो आज खत्म होनी है। पर वही कहावत है मरता क्या नहीं करता, उसने सोचा मरना तो है एक बार कॉन्फिडेंस और काम में ले लो। और जैसे ही वो नजदीक आए दोनों, ये फिर मुंह पलटा के बैठ गया और तेज तेज बोलने लगा। अब वो जब नजदीक आ गए तो उसने सोचा शेर मेरे साथ है, बंदर भी उतर आया साथ में, बोले अब क्या कर सकता है, शेर तो है ही आज एक झपट्टे में खत्म कर देगा। और जैसे ही वो नजदीक दोनों आए तो कुत्ता फिर मुंह पलटा कर बैठ गया और तेज तेज बोलने लगा, बोले इस बंदर को एक घंटा हो गया भेजे हुए कि शेर को बैला फुसला के ला, अभी तक लाया नहीं। और जैसी ये बात शेर ने सुनी तो शेर ने बंदर के दिया एक चांटा, बोले उस दिन तो बच गया आज फिर मरवाने ले जाना। कॉन्फिडेंस की ताकत देखो आप,
एक कुत्ता अगर शेर को हरा सकता है तो हम इंसान है, फिर हम टेक्निकल क्यों नहीं ले सकते, यस है ना, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। तो आप आज से बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो हर तरह से, और इसके बाद अगर इस सिस्टम में आपको बड़ा काम करना है, मैं एक शब्द हमेशा अपनी सेमिनारों में बोलता हूं और मैं आज भी आपको वो कहना चाहता हूं, पेशेंस बहुत जरूरी है इस सिस्टम के अंदर, पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है, और ये पेशेंस कितना काम करता है, हम आज आपको क्या लगता है, आज बजाज जी हो, रंजीत जी हो, प्रहलाद सर हो, गोयंका सर हो, कदम सर हो, क्या लगता है आप ये इस जगह कैसे पहुंचे? इनके टाइम पे तो प्रोडक्ट नहीं थे, सिर्फ इनके अंदर वो पेशेंस था। और वो पेशेंस किस तरह का होना चाहिए, आज मैं आपकी लाइफ से उसको कनेक्ट करता हूं ताकि उससे आप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको जल्दी कनेक्ट होगा। नहीं तो आपने सुना है सब लीडर कहते हैं पेशेंस चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धैर्य का खेल है, लेकिन आज मैं उसको बहुत थोड़ा सा आपको इजीली करता हूं ताकि आपके वो एकदम माइंड क्लियर हो जाए। हंसती है